नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी के ससुर क्षेत्र बनारस में जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा कोरोना मरीजों से लूट पर वाराणसी के 14 निजी अस्पतालों को नोटिस भेजी गई। निजी अस्पतालों की इस फेरिस्त में शामिल वाराणसी के बटुकपुर सुंदरपुर स्थित साईनाथ हॉस्पिटल के पड़ताल के लिए क्लाउड टाइम्स ने जब हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर आरके पटेल से की सीधी बात, तो देखिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब। इस वक्त हमारे साथ है सुंदरपुर स्थित साईनाथ हॉस्पिटल के डॉक्टर आरके पटेल। आइए जानते हैं कोरोना काल की दूसरी लहर के बाद कोरोना से सीधी जंग के लिए आपके हॉस्पिटल में किस तरह की तैयारी की गई है। मैं डॉक्टर आरके पटेल, चेयरमैन साईनाथ हॉस्पिटल सुंदरपुर वाराणसी। हमारे हॉस्पिटल में कोरोना संकट को देखते हुए हम लोगों ने पूरी तैयारियां की, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेते हुए सारे इक्विपमेंट का, जैसे बाईपैप, सीपैप, वेंटिलेटर और सारे मॉनिटरिंग का। तो हम लोगों ने कोरोना कॉल में जितने भी पेशेंट मेरे यहाँ आए और हम लोगों ने इलाज किया, उसके सारे चीज़ को देखते हुए, सुनते हुए, करते हुए अच्छे ढंग से हमारी हॉस्पिटल की सारी टीम ने उसके प्रति पूरे अपने निष्ठा के साथ और जान अपने जोखिम में डालते हुए कार्य को किया है। इसके लिए तो मैं अपने स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस समय जिस विपत्ति में उन्होंने ऐसे समय पे कार्य को किया है। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों आपके हॉस्पिटल को नोटिस दिया गया था, आपके हॉस्पिटल में किस प्रकार की अनियमितता पाई गई? रेट को लेते कुछ इशू था, टीम आई थी और मैंने सारे चीज को डॉक्यूमेंट जितना मांगे थे मैंने दिया था। रेट का जो हम लोग डिस्चार्ज स्लिप के बाद जो फाइनल उसका बिलिंग होती है मैंने उनको प्रेजेंट किया था और उसकी कॉपी को मैंने सम्मिलित भी किया था। रेट को लेके किसी तरह से कोई मेरे यहाँ प्रॉब्लम नहीं आई थी। जो रेट है हमने उस रेट पे कार्य को किया है। हमारे हॉस्पिटल में रेट्स को लेके इशू आए थे लेकिन ऐसा कुछ भी मेरे यहाँ नियमितता नहीं पाई गई थी। हम तो बनारस के अंदर रेट्स को लेके दावे करते हैं कि हमारे जितने रेट हैं बनारस के अन्य हॉस्पिटल से सबसे कम है। हम पूरे चाहे कोरोना कॉल के ड्यूरेशन का या उसके पहले का जितनी भी डिस्चार्ज स्लिप के बिल होते हैं मैं प्रेजेंट कर दूंगा और मैं इसके लिए चैलेंज करता हूं कि मैं रेट्स में कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी। डॉक्टर साहब, चूंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है तो जिला प्रशासन आपको किस तरह सहयोग कर रहा है या आपको उनसे किस तरह की मदद चाहिए? जिला प्रशासन ने हम लोगों के प्रति काफ़ी हॉस्पिटल या चिकित्सक के प्रति काफ़ी वो किया है कि जैसे कि हॉस्पिटल में जितने पेशेंट आए ऑक्सीजन सिलेंडर को अवेलेबल करवाना, इंजेक्शन रेमडेसिविर को और किसी भी तरह से कोई समस्या होने के लिए उन्होंने सारा चीज़ को अच्छे तरीके से किया था। सारी सुविधाएं उन्होंने प्रोवाइड करवाया था। तो इंजेक्शन की जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन की काफ़ी किल्लत थी लेकिन उन्होंने अवेलेबल करवाया था स्टॉकिस्ट से बोल के, और ऑक्सीजन सिलेंडर की भी किल्लत थी। वो जहाँ ऑक्सीजन का प्लांट है वहाँ पे उन्होंने हम लोगों को सारा अलाट करवाया था कि नहीं इनको सिलेंडर दिया जाए कोरोना अस्पताल के इतने चैनल में है। डॉक्टर साहब, किन्हीं 5 मरीजों के नाम बताइए जो आपके इलाज से संतुष्ट हैं, जिनसे हम बात कर सकें, हाल ही में ठीक हुए हों। हाल ही में ठीक, हमारे हॉस्पिटल में बहुत से पेशेंट ठीक होकर गए हैं जिसके नाम भी हम बता रहे हैं। ज्ञानेंद्र पांडे, राजेश कुमार, सोनम यादव, गोविंद कुमार, ये हमारे यहाँ से सारे पेशेंट ठीक होकर गए हैं। क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।